जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर बड़ा मोड़ आ चुका है, बड़ी खबर है। झारखंड के सीएम की तरफ से पुलिस कांस्टेबल भर्ती तमाम प्रकार के दिशा निर्देशों को देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है और आगामी भर्ती प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, सारी अपडेट आ चुकी है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हर एक अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई अपडेट दे रहा है तो प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना बहुत इंफॉर्मेशन अपडेट आप सभी से मिस हो सकती है और आप लोग झारखंड पुलिस कांस्टेबल प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया है झारखंड के सीएम की तरफ से। चूंकि देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो नया पदभार संभाला है, तो इनके द्वारा क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया है, चलिए सुनते हैं। आने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड आरक्षी पुलिस कांस्टेबल 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में आपको जनजातीय भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक योग्यता के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 2450 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 15-35 सेट मिल जाएंगे। दोस्तों झारखंड पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा डिमांडेबल बुक रही है, तो आप लोग इसको खरीद करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप लोग खरीदना चाहेंगे तो लिंक सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में झारखंड का सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर प्रैक्टिस सेट के साथ चक्षु प्रकाशन की झारखंड की सामान्य ज्ञान की भी बुक आती है, इसको भी खरीद करके एक सीट को सुनिश्चित करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि देखिए झारखंड का जब से इन्होंने जिम्मा संभाला है तब से ये कह सकते हैं इनकी छवि बहुत अच्छी बताई जा रही है, और यहां पर इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी हेमंत सोरेन के कामकाज थे, चाहे पुलिस भर्ती प्रक्रिया या फिर पीसीएस की जो जेपीएससी पीसीएस की परीक्षा कराई गई है, तमाम भर्तियों का जो संचालन है आगे बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ता रहेगा, और इन्होंने तमाम भर्ती बोर्ड को, तमाम आयोग को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सही तरीके से आपको पूर्ण करना होगा और कम समय में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर पर मेंटेन पर इन्होंने कहा कि जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और झारखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल मेंटेन है, और इसी के क्रम में हम पुलिस विभाग में जो भर्ती करने जा रहे हैं बंपर बहाली, उसके थ्रू नए रिक्रूटों की जो नियुक्ति होगी इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अब जो है फिजिकल आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मुझे जहां तक संभावनाएं लग रही है कि जून के महीने तक आप लोग का झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम आपको अपनी चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।